पहले ये कुछ करें। देखिए जो बीपीएससी है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी अधिकारी लोग जो है उसको बीपीसीएस कर दिए हैं, बिहार पदाधिकारी चोरा समिति। उस तरह लोग घोटाला कर रहे हैं, ये हालत बना दिया बिहार का। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? ये जो ऑप्शन ई का जो मामला है ना, ये बीपीएससी वालों ने शुरू से अपनी गलतियों को बचाने के लिए रखा था। अब वो कहते हैं कि आधा 50% कर देंगे, आधा 50% नहीं करेंगे, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, आधा नेगेटिव मार्किंग कर देंगे। सर ये कुछ नहीं है, ये जो हमारे अतुल प्रसाद सर जी हैं ना, ये अपनी गलतियों को बचाने के लिए अब विद्यार्थियों से राय मशवरा ले रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खेल के कि हाँ भैया अब आप राय मशवरा दे दो, उसके बाद हम जाएंगे। सर 280 या 300 सीटें अभी तक जारी हुई हैं, जो कल से डेट फॉर्म का स्टार्ट हुआ है। अब वो कह रहे हैं बाद में सीटें बताएंगे और कितना बढ़ेगा। हम सातिर तो सर वो है सर, हमारा कहना जितना क्वेश्चन तो उतना कट ऑफ कम किया जाए, अगर 10 क्वेश्चन गलत 10 कट ऑफ कम कर रहे हैं। डीएसपी रंजीत कुमार को जो गिरफ्तार किया गया, एग्जाम से 5 दिन पहले उसको बेल मिल जाता है और उस पूरे प्लान को सेटिंग कर देता है। इसमें मुख्य जो है वो कौन करेगा जब उनको, जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन कंट्रोलर है वो मुख्य कर्ता धरता है इस सेटिंग का। अगर वो रहेगा जब तक, तब तक बीपीएससी में सेटिंग होते रहेगी और ये सिलसिला चलते रहेगा। दोस्तों हम मुखर्जी नगर में थे और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे थे जो बीपीएससी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उसमें से ही कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानेंगे आखिर ये इतनी संख्या में क्यों सड़कों पे मोमबत्तियाँ लेके घूम रहे हैं पढ़ने के टाइम, इन लोगों को पढ़ना चाहिए था। क्या नाम है भैया? अनवारुल हुसैन। देखिए बीपीएससी पिछले 2 एग्जाम से धांधली कर रही है, इसके पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हम जब से दे रहे हैं 56, 60, 62, 63, 65, इन एग्ज़ामों में जो भी जनरल कट ऑफ हुआ वो 100 से नीचे रहा, 97, 98 यही कट ऑफ रहा, ओबीसी का 95, 92, 91 यही कट ऑफ रहा। लेकिन पिछले 66 और 67 दोनों ही एग्ज़ाम में धांधली हुई है, और वो 66 में जो हुआ औरंगाबाद में पेपर लीक हो गया, एक सेंटर पे पेपर कैंसिल करके फिर एग्ज़ाम ले लिया गया, एक कैंसिल का नतीजा हुआ कि उसमें भी 100 से ऊपर कट ऑफ गया जनरल का और वो 108 हुआ। और 66 में 67 में आप लोग देख ही रहे हैं 30 मई को जो एग्ज़ाम हुआ मई में, तो वो कैंसिल करना पड़ा, पूरे वायरल हो गया पेपर। और ये री एग्ज़ाम जो किया गया वो प्री प्लान किया गया, डीएसपी रंजीत कुमार को जो गिरफ्तार किया गया, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले उसको बेल मिल जाता है और उस पूरे प्लान को सेटिंग कर देता है। इसमें मुख्य जो है वो कौन करेगा जब उनको, जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन कंट्रोलर है वो मुख्य कर्ता धरता है इस सेटिंग का। अगर वो रहेगा जब तक, तब तक बीपीएससी में सेटिंग होते रहेगी और ये सिलसिला चलते रहेगा और हम लोग पढ़ने वाले लोग वो धूल फाँकते रहेंगे। आप कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा आगे आइए, क्या कह रहे थे आप? क्या नाम? ये बोल रहे, मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ। बैग लेके कहाँ जा रहे थे? बस जा रहे थे क्लास जा रहे थे। कुछ कहना चाह रहे थे आप बताइए। बस कहना चाह यही चाह रहे हैं कि बीपीएससी में तो आए दिन जो भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, यहाँ ये जितना भी जहाँ जहाँ भी ये पेपर लीक ये सामने सारा मामला आ रहा है, ये सारे अधिकारियों का मिलीभगत से हो रहा है, सारे अधिकारियों का इसमें मिलीभगत है। और वर्तमान में जो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, वो बिल्कुल वो भ्रष्टाचारी हैं, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। ऐसे कह सकते हो? बिल्कुल, उनका इतिहास ही रहा है, वो पहले भी जो है पहले भी बहुत चीज़ों में वो संलिप्त रहे हैं, गलत कामों में, जहाँ उनका नाम पहले भी आ चुका है। तो इनको सबसे पहले हटाना बहुत ज़रूरी है। okay. और ये जब तक रहेंगे तो बीपीएससी में है कि भ्रष्टाचार आए दिन इस तरह से बढ़ता रहेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार है। आपने भी एग्ज़ाम दिया था क्या बीपीएससी वाला? नहीं, मैं 68 के लिए तैयारी कर रहा हूँ, पर जो अभी परिस्थिति देख रहा हूँ 67 का, उससे उसको देखते हुए मुझे भी लग रहा है कि 68 में जो आने वाला है इससे भी भयावह होने वाला है, क्योंकि 67 में जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, OMR सीट में घपला हुआ है, जो आंसर की में जो 7-8 प्रश्न जो थे क्वेश्चन, उसको गलती करके फिर से कुछ दिन के बाद नया उसका नया देना, लेकिन ये चीज़ घपला देखते हुए जो इतना कट ऑफ जनरल कैटेगरी की जा रही है उसको देखते हुए हम लोग 68 के जो बैच के स्टूडेंट हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या आप लगा के क्या नाम है? मेरा नाम निखिल कुमार है। आपने दिया था एग्जाम? हाँ, इस बार दिए थे। क्या शिकायत है आप लोगों की? अरे शिकायत देखिए, अगर प्रश्न पत्र सेट होता है, अगर हम अभी कोई किसी से कोई टेस्ट लेंगे तो मेरे पास क्वेश्चन के साथ उसका आंसर होना चाहिए। हम बच्चा अगर कोई गलत मारेगा तो हम उसको बता पाएंगे कि सही ही नहीं, कि आज हम उसको कहेंगे तुम्हारा ए सही था, कल कह देंगे तुम्हारा बी सही था, ऐसे नहीं होता है। तो आप प्रोविजनल जारी करते हैं, फिर फाइनल जारी करते हैं, उसके बाद भी बताते हैं कि आपको सवाल गलत था। बच्चा के साथ खेलना नहीं है, सवाल सेट करिए तो आपको आंसर फिक्स होना चाहिए। एक तो इनका अलग चलता है, नहीं समझ में आ रहा तो ई मार दो,
अब कितना कंफ्यूजन है ई के साथ कर रहे निगेटिव भी रखेंगे, बच्चा पागल नहीं करना, फ्रस्ट्रेट करके आत्महत्या नहीं करवाना है बच्चा से, उसको पढ़ने आया, उसको नौकरी लेना, उसके पीछे घर समाज सबका जिम्मेवारी है जिसको लेके वो यहाँ पढ़ने आया इतना दूर, पागल थोड़े नहीं तो घर पर रख नहीं जाएगा पढ़ेगा, इतना दूर बच्चा क्यों पढ़ने आया सक्सेसफुल होने के लिए, उसी चक्कर में है। तो एकदम सीधा कहना है कि या तो निगेटिव मार्किंग लाना है ले आइए, बहुत अच्छी बात है, और दूसरी बात निगेटिव लाइए तो ऑप्शन ई हटाइए। रही बात कट ऑफ की, जैसे पिछली बार था 108, इस बार हो गया 113 जनरल का, तो सर जी का कहना है कि इस बार बच्चा लक से आ गया, सबसे पहले बताइए वो खुद पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इस पर ही संशय उठता है, बोलने बतिया नहीं नहीं आता है, आप आए थे तो आप लक से आए थे, आप उस पोस्ट में लक से बैठे हुए हैं। अगर बच्चा आप ये कहिए कि इस बार कुछ ज़्यादा मेधावी छात्र आ गए, 2-3 साल कोरोना में ज़्यादा पढ़ लिए, उनका नंबर ज़्यादा आ गया, जो जनरल एवरेज अभी पढ़ना शुरू किए थे उनका मार्क्स कम आया, ये हो सकता है ना कहने का तरीका। मिला के जो आयोग अध्यक्ष है ना वो बहुत बड़ा सातिर है। सातिर कैसे हैं? वो स्टूडेंट लोग जाते हैं उनसे अपनी बात रखते हैं, सारी बात मान लेता है और अगले ही दिन नोटिफिकेशन जारी कर देता है। अगले दिन ही आंदोलन किए लड़के कि आप इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है, कुछ और रिजल्ट दीजिए। आयोग के अध्यक्ष बोला है कि हाँ हम जारी कर रहे हैं और शेड्यूल जारी कर दिए मेंस का, तो ये सातिरपना है उनका दिखता है। मेंस में भी जैसा है कि एक ही दिन दोनों पेपर चल रहा है, बच्चे मानसिक रूप से कितने लिखेंगे, 3-3 घंटे का 2-2 होगा, जबकि कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी सिविल सर्वेंट का एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है तो हर एक पेपर के बीच में 2-3 दिन का गैप रहता है। यहाँ पे पहले जीएस का पेपर दोनों है, फिर हिंदी का है, उसके बाद फिर अगले ही दिन जो ऑप्शनल का है, 3 दिन में लगातार वो करके वो जो लिपापोती का जो काम चल रहा है ना उसका कि तुरंत तुरंत करके वो जो नए 68 वाले का भी वैकेंसी निकाल दिया। मैं आपके पास आऊँगा, पहले ये कुछ कह रहे हैं। देखिए जो बीपीएससी है ना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अभी अधिकारी लोग जो है उसको बीपीसीएस कर दिए हैं, बिहार पदाधिकारी चोरा समिति, उस तरह लोग घोटाला कर रहे हैं, ये हालत बना दिया बिहार का। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? ये जो ऑप्शन ई का जो मामला है ना, ये बीपीएससी वालों ने शुरू से अपनी गलतियों को बचाने के लिए रखा था, अब वो कहते हैं कि आधा 50% कर देंगे, आधा 50% नहीं करेंगे, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, आधा नेगेटिव मार्किंग कर देंगे। सर ये कुछ नहीं है, ये जो हमारे अतुल प्रसाद सर जी हैं ना, ये अपनी गलतियों को बचाने के लिए अब विद्यार्थियों से राय मशवरा ले रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खेल के कि हाँ भैया अब आप राय मशवरा दे दो, उसके बाद हम जाएंगे। सर 280 या 300 सीटें अभी तक जारी हुई हैं, जो कल से डेट फॉर्म का स्टार्ट हुआ है, अब वो कह रहे हैं बाद में सीटें बताएंगे और कितना बढ़ेगा। सातिर तो सर वो है, सर हमारा कहना जितना क्वेश्चन तो उतना कट ऑफ कम किया जाए, अगर 10 क्वेश्चन गलत 10 कट ऑफ कम कर रहे हैं हर कैटेगरी में। ये बताइए कितना जायज मांग है, अगर जितना भी क्वेश्चन गलत है आप अपने एक्सपर्ट से दिखवा लीजिए, चाहे जिससे भी दिखवाना चाह रहे हैं, 2-3-4 तात्कालिक रूप से, तो आप ये कम से कम तात्कालिक रूप से कम अतिरिक्त रिजल्ट तो जारी कर सकते हैं तात्कालिक रूप से, दीर्घकालिक रूप से आप अपने स्तर से जांच करवाते रहिएगा। जायज मांग है कि 2-3-4 नंबर जो भी हो गलत हो कट ऑफ नीचे करके एडिशनल रिजल्ट दे ताकि लड़के मेंस दे पाए। और आप अगर इतने अच्छे, आपको रोकूंगा आप सर, सीधा सा मतलब है या नहीं तो आप निगेटिव मार्किंग कर दो, या नहीं तो हटा दो, आधा करेंगे, 1/3 करेंगे, पूरा करेंगे, विद्यार्थी से राय मशवरा ले लेंगे। सर आप एक आयोग के चेयरमैन हो और भी तो बहुत सारे आयोग के पेपर होते हैं, आप कुछ यही कि सर देखिए 8 क्वेश्चन पहले आता है यहाँ पे कि आंसर की आ जाता है पहले 8 क्वेश्चन का, फिर 8 क्वेश्चन को क्या करते हैं प्रोविजनल आंसर की चेंज कर देते हैं, तो हम तो खुश हो जाते हैं पहले कि भाई साहब हमारा सही है, कुछ नंबर आ रहा है हमारा। फिर क्या होता है कुछ दिन बाद रिजल्ट आता है, देखते हैं नंबर तो डायरेक्ट भाई घट चुका है। कैसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आप जैसे क्वेश्चन आया था रोमन एम्पायर का ट्रेड किससे करते थे, तो ऑप्शन चेरा भी है वहाँ पे और कुषाण भी है, कुषाण भी दिया गया था, आंसर क्या मार लिए वो कुषाण, अब बाद में कर देते हैं ऑप्शन, उसका आंसर होना चाहिए था ई, लेकिन क्या कर दिए वो ऑप्शन क्या डाल दिए वहाँ पे कुषाण, पर चेरा भी तो ट्रेड किए थे, कहाँ गया वो ऑप्शन, अब तो हम तो वही टिक करके आएंगे जो हम सीखेंगे वहाँ पे, अब पर दिए क्या ऑप्शन वहाँ पे, दिक्कत क्या हो रहा ना सर। मैं तो भैया ये कहना चाहूँगा कि जो भी पेपर सेट करते हैं ना, तो सबसे पहले तो सुधार उनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब उनको पता है कि क्वेश्चंस गलत मतलब कि हर जगह मिला रहे हैं सब सही है, लेकिन उनका एक अलग ही बुक है जिससे वो चेक करते ये करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा ये सारा खेल जो है ना, हर बार एग्जाम में 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो गलती होता है वो सारा खेल भ्रष्टाचार का है। और इस बार आप हम यही कहेंगे तात्कालिक रूप से अतिरिक्त रिजल्ट दीजिए, जांच होता रहेगा, और अपने अपने नेताओं से जितने हम अपने अनुरोध करते हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव कि इस पे एक दीर्घकालिक जांच करवाएं और तह तक मामले के तह तक जाएं, लेकिन तात्कालिक रूप से अतिरिक्त रिजल्ट दें, जितना क्वेश्चन गलत उतना कट ऑफ कम करके अतिरिक्त रिजल्ट जारी करें। 68 का फॉर्म अभी आने वाला है, 25 तारीख से फॉर्म भरने वाले हम लोग, इनको तो पहले ही बताना चाहिए था कि क्या रूल होना चाहिए, क्या रेगुलेशन होना चाहिए, किस तरह एग्जाम होगा,
ये तो आयोग है ना, कितना बड़ा संस्थान बैठा हुआ है कि डिसाइड करने के लिए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इनको खुद नहीं पता है कि कैसे लेंगे, ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कैसा करना है। ये तो आयोग है, आप डिसाइड करो ना भाई साहब कैसे क्या करना है, आप पहले डिसाइड कर लो। आपको रुकूंगा, आइए कुछ पहले तो यही बात है कि क्या कहते हैं ना कि अगर जैसे ऑप्शन हमें चूज करने को मिल रहा है कि क्या कहते हैं कि नेगेटिव रखना है कि नहीं रखना है, भैया मैं कहूँगा नेगेटिव बिल्कुल रखे, लेकिन ये वाला बवाल ना करे कि 113 कट ऑफ, अगली बार हम लोग बैठेंगे 15 करेगा 20 करेगा, करते करते फिर तो 150 मिल जाए 140 आएगा, 140 कट ऑफ आएगा। कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे कहना चाह रहे हैं क्या कि जो 10% बोलते हैं कि जितने सीट हैं उसके 10% ही हम मेंस के लिए हम बच्चे को ले सकते हैं, तो क्या 68 में जैसे निकली है वैकेंसी 281 ही वैकेंसी है, तो इसका मतलब बहुत हो तो 2800 3000 4000 ही बच्चे आएंगे, 4000 ही बच्चे आएंगे, तो ये तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के 5000 प्लस बच्चे 113 मार्क्स लेके आए हुए हैं, तो उसमें तो आप लोगों से मैं एक बार बात करूंगा। ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि नेगेटिव मार्किंग रहे लेकिन ई ऑप्शन ना रहे, और हर एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहे, अगर नेगेटिव मार्किंग करना है तो ये ज्यादा से रहिए नहीं कि 25 में नेगेटिव रहेगा 50 में रहेगा बाकी में नहीं रहेगा रेस्टो में, लेकिन नेगेटिव सब में रहे, लेकिन ई ऑप्शन का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत में 13 गुना 14 गुना रिजल्ट की बात की गई है, ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट 10 ही गुना आता है लेकिन जो लास्ट नंबर पे रहता है उस सबको ले लिया जाता है, तो वो 12-13-14 गुना नहीं, जो भी लास्ट नहीं, हर बार की प्रक्रिया है कि जो भी जिस कैटेगरी में लास्ट नंबर पे रहेगा उसको उठा लिया जाता, मतलब अंदर कर लिया जाता है, तो ये 12-13 गुना रिजल्ट नहीं आया, अब एडिशनल रिजल्ट देंगे तब हो सकता है कि एक्स्ट्रा रिजल्ट दें, ये तो अब हर बार इतना ही रिजल्ट आता है। 66 बीपीएससी पीटी का उठा के देख लीजिए, 600 सीट थी 6000 रिजल्ट आता, आया कितना 8500 रिजल्ट, तो ये तो उतना हर बार अतिरिक्त रिजल्ट ये दिए ही नहीं है। एक कोई नेताजी कर रहे थे कि अतिरिक्त रिजल्ट दिया गया, कोई अतिरिक्त रिजल्ट नहीं दिया गया। पेरेंट्स का 40% रिजल्ट दिया जाए, नहीं तो पेरेंट्स का 10% रिजल्ट दिया जाए, नहीं तो 40% रिजल्ट दिया जाए पीटी का। दोस्तों यहाँ पे ओम फोटो स्टेट है, आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी रखा है, ओम फोटो स्टेट है, ये दीपक भाई की दुकान और ये अंकल जी हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेंगे जब आप स्टडी मटेरियल लेने आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे छात्र और भी हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। क्या नाम है आपका, आप क्यों इस प्रोटेस्ट में आए, घर पे वहाँ रूम पे रह के पढ़ते आराम से? यस, मैं रूम पर पढ़ता हूँ, 68 की तैयारी करने मुखर्जी नगर में आया, और इससे पहले AO का एग्जाम हुआ था पटना में, तो उसमें सेंटर वो एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया था कि 11 बजे के बाद एंट्री नहीं है, लेकिन 11 बजे से मेरे सेंटर में हम गए तो वहाँ 11:30 बजे एंट्री करने दिया, और एक और मेरा एक दोस्त था उसको 10:30 में बोला गया कि ये DM का ऑर्डर है, लेकिन अध्यक्ष का बोला जाता है कि अध्यक्ष के अनुसार से आता है सब चीज़, एडमिट कार्ड में जो मेंशन किया हुआ है आप उसी तरह से काम कीजिएगा ना, न एडमिट कार्ड का कोई चीज़ मेंशन किया गया वहाँ पर, और रोल नंबर नहीं कुछ साटा गया, और जैसे 10:30-7:30 में हम पहुँचे थे वहाँ पर, वैसा ही वैसा गेट 10:30 बजे भी बंद हुआ किया गया था, लेकिन वहाँ पर मारपीट करना पड़ा हमको, रोल नंबर भी भेजा गया हमको, लेकिन कोई भी एक्शन ये नहीं हुआ, और 67 में एक नहीं 1.5 साल से ये कार्रवाई चल रहा है, 1.5 साल से ये हो रहा है कि मान लो कि आप डिले कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कि हमको व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, हम सेंटर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वह इतना स्टूडेंट नहीं जा पाएगा, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको इससे पहले आप कभी एग्ज़ाम नहीं लिए थे, मतलब यही हुआ कि पहली बार आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो एग्ज़ाम ले रहे हैं आपको उसको सुरक्षित तरह से आप पर आप पर विश्वास किया जा रहा है, तो आप विश्वास को आप तोड़िए मत ही इसको, तो ये है कि आप सही तरह से एग्ज़ाम लीजिए, जो स्टूडेंट तैयारी करने आ रहा है अपनी मेहनत से पैसा सब चीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद समय भी बीत रहा है, उसके बाद भी हमको घोटाला हो रहा है, और फिर बाद में आके फिर वही चीज़ के हमको तैयारी करना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है ये सब? यहाँ पे अमृत जी क्या कहना चाह रहे थे, आप इधर आइए थोड़ा उजाले में। बहुत दुर्भाग्य है कि आज हम लोग को पढ़ाई छोड़ के रोड पर उतरना पड़ा, वहाँ भी हमने बोला, देखिए सबसे बड़ी हमेशा रोड पर ही क्यों रहते हैं? रोड पर यही है कि हम लोग को सरकार रोड पर ला दी है ना, प्रधानमंत्री जी दो को रोजगार कहा कि उन्होंने भी रोड पे ला दिया। इस मुद्दे की बात कीजिए, प्रधानमंत्री बता रहे हैं ना, आपने बोला कि रोड पे क्यों रहते हैं, बिहार में पेपर लीक हुआ उसके बाद भी हम लोग रोड पे आए, दोबारा पेपर हुआ, यूपी में आप जाइए वैसे ही होता, यूपी SI का पेपर लीक हो गया, योगी जी जांच कोई नहीं करवाए, पेट का टेट का सब पेपर लीक हुआ, बिहार में लीक हुआ, हम लोगों ने आंदोलन किया और उसके बाद से पेपर स्थगित हुआ, फिर दोबारा कराया गया, और इसमें जो धांधलियाँ सुनने में आ रही है, हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कैसा एक्सपर्ट रखते हैं मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष को और सचिव जी को जो बैठाए हैं उन लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और 11-12 कभी 11 होता है कभी 12 होता है, ये कौन सा खेला चलता है भाई, आप बढ़िया से एक्सपर्ट रखिए, और क्वेश्चन का ही ऑप्शन तो हटा ही दीजिए, बच्चों को भी सस्पिशन हो जाता है, आधा हमको लगता है कि आधा क्वेश्चन तो पढ़ के लगा सोचता है ई मारे ई कौन मारे, ये तो हटा ही दीजिए, निगेटिव लाना है तो पूरा ला लीजिए और छोटी में, नहीं तो हटाइए उसको, और एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोड आप कह रहे हैं ना
विधानसभा और संसद भवन में घेरावा हो जाएगा। हम लोग बिहारी हैं, ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि बाबा वहाँ पे योगी जी बाबा है ना, SI पेट टेट सब लीक हो जाता है, सब करवा देते हैं, बिहारियों के सामने नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी को बता दे रहे हैं, हम लोग तेजस्वी तेज प्रताप भैया को बुला लेंगे वहाँ पे। आपको लगता है कि आपके बुलाने से आ जाएंगे? अरे हम लोग नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे को यहाँ 2014 में बुला दिए 66 आंदोलन में, जब चीफ मनी प्रधानमंत्री के नुमाइंदे आ जाता है तो मुख्यमंत्री के नुमाइंदे कहाँ नहीं आएंगे। 1 लाख बच्चे थे, आप देखे नहीं? यहाँ पे एक दोस्त हो रहे हैं, इधर आइए, क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। आपने भी दिया था क्या बीपीएस? हाँ दिया था। जैसा कि भैया ने कहा कि ऑप्शन ए हटना चाहिए, और दूसरी बात कि 8 क्वेश्चन आप अगर एक्सपर्ट रखते हैं, 8 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या है? या तो आप 8 गलत रखते हैं ताकि कल होकर उसमें मतलब कि सेटिंग किया जाए, या उसी आधार पर किसी गलत स्टूडेंट को मैं चयन किया जाए जो डोनेशन दिया हुआ है, और नेगेटिव का बात है जहाँ तक, तो नेगेटिव आप हटाइए। और दूसरी बात, नेगेटिव हटाने से कटअप का जो भी है इशू आएगा, और ई ऑप्शन भी साथ में हटाइए। और जहाँ तक दिलीप भाई आंदोलन के लिए भी बोले थे, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा उसमें कमी नज़र आया है, तो इस पर एकजुटता भी होनी चाहिए स्टूडेंट को, जो देने वाले हैं जो, या न देने वाले हैं जो, या UPPCS भी दे रहे हैं जो भी, ताकि वो भी देते हैं बिहार का एग्ज़ाम, वो भी दे रहे हैं, और एकजुटता के साथ इस पर आंदोलन किया जाए, और रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि लोग जो 1 नंबर या 2 नंबर या पिछले कटअप के करीब में आ रहे हैं उनका रिजल्ट फिर से आ सके। तो मुखर्जी नगर में भी हमने छात्रों से बात की थी, अभी नेहरू विहार में है, इधर वर्धमान मॉल है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर की क्लास में जाते हैं, और कुछ छात्र यहाँ पे मौजूद थे, हमने इन लोगों से बात की। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।